Welcome back students. Once again we are going to start our syllabus. So this is the chapter number 9 for class 8 history part. Women, caste and reform, महिलाएं जाति और सुधार की बात हम आज करेंगे. Previously we have read about different topics. Today we are discussing about some reforms, मैंने सुधार के बारे में हम आज कुछ सीखेंगे इससे. So you know very well that during British rule we were suffering lot of problems. The Indians were suffering lot of problems, but in these all problems something were better. That's in these things one thing is reforming is very important thing, because we are in our society there were so many bad traditions were there. So in this chapter we are going to start it. So first of all, working towards change. In previously in this book, according to your book, NCERT book, इसमें अपने समाज के बारे में, पहले वाले समाज के बारे में लिखा है कि हमारे समाज में महिलाओं के खास करके और निम्न जातियों की, जाति व्यवस्था की जो बात थी उसके बहुत ही बुरी स्थिति, महिलाओं की बड़ी दयनीय स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति थी. महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं के बीच में अशिक्षा बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर थी, बाल विवाह होते थे, बहुत छोटी उम्र में लड़की की शादी हो जाती थी, फिर बच्चे हो जाते थे, फिर उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था, वो बियर नहीं कर पाते थे उन चीज़ों को. दूसरा, उनको पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल वंचित किया जाता था. अगर उनका पति मर जाता था तो उनको सती होना पड़ता था, यानी पति की चिता के साथ जलना पड़ता था. अगर कोई महिला, कोई स्त्री कोई मना भी करती है तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके ले जाया जाता था, इतनी बुरी स्थिति. पढ़ाई के मामले में सीधे से रिस्ट्रिक्शंस थे कि अगर कोई महिला पढ़ती है, कोई ज्ञान प्राप्त करती है तो इवन वो उसके दुर्भाग्य का कारण बन जाता है, यानी पढ़ी लिखी महिला का एक विधवा होना निश्चित है, मतलब पढ़ाई से मतलब उसका विधवा होना है. तो इस तरह से बहुत सारी कुरीतियां थी जिनके ऊपर अंग्रेजी शासन में काम हुआ. ये बड़ी बात है, अंग्रेजी शासन में इन सब के ऊपर काम हुआ, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस ब्रिटिश रूलिंग पीरियड का. इसमें नेक्स्ट जो हेडिंग है आपके बुक के अंदर, चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज, मतलब कि विधवाओं विडोज की लाइफ की ओर जो है क्या क्या परिवर्तन हुए विडोज की लाइफ में. तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो राजा राममोहन राय ने किया. राजा राममोहन राय बंगाल के थे और वो एक बड़े समाज सुधारक थे. उनका टाइम पीरियड था 1772 टू 1833. इस दौरान उन्होंने अपने, क्योंकि उनके अपने परिवार के साथ ऐसा हुआ था, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और उनकी भाभी के साथ यह घटना हुई थी, इसलिए उन्होंने बहुत करीबी से इस चीज़ को देखा और महसूस किया. तो उन्होंने ये संकल्प किया कि हम इसको जो है हटाएंगे. उन्हीं के प्रयासों से फिर 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई थी. विलियम बेंटिंक उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंग्रेजों का भी इसमें पूरा साथ मिला, क्योंकि अंग्रेज इन गलत परंपराओं को तोड़ना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे. तो अंग्रेजों का सहयोग मिला. राजा राममोहन राय भी हालांकि ईसाई शिक्षा मिशनरीज में पढ़े थे, ईसाई ब्रिटिश शिक्षा उन्होंने ली थी, तो उससे भी प्रेरित थे वो, और उन्होंने फिर इसमें काम किया और ये सती प्रथा 1829 में खत्म हो गई. इस पर कानून बन गया, सती प्रथा के अगेंस्ट एक कानून बन गया. हालांकि इसका विरोध भी हुआ उस समय, लेकिन धीरे धीरे जाकर के ये फिर लोगों के समझ में आया कि वास्तव में ये गलत है. भाई कोई पति मर गया तो उसमें पत्नी का क्या दोष है, उसे क्यों मारा जा रहा है. और जैसा कि थाई उसमें परंपरा थी कि छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, 10, 12, 13 साल की उम्र में मान ले जाए शादी हो गई, 9-10 साल में शादी हो गई, 10-12 साल में उसका पति खत्म हो गया. अरे उस बच्ची ने देखा ही क्या है, क्या संसार देखा, क्या दुनिया देखी उसने, और उसको जबरदस्ती उसको जला दिया जाता था, पकड़ के बांध करके जला दिया जाता था.
इवन जब बच्चे को ले जाया जाता था तो उनके हाथ पांव को उस चिता की लकड़ी के साथ बांध दिया जाता था, और जब उसको आग लगाई जाती थी तो जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे जल जूस के, कि ताकि वो चिल्लाए चिल्लाए तो लोग सुने ना, लोग जो डरे ना, इसलिए जानबूझ के ढोल नगाड़े बजाए जाते थे उसकी आवाज़ को दबाने के लिए। इतनी क्रूरता से जो है उसके साथ बिहेव किया जाता था छोटे बच्चे के साथ। तो इसलिए ये चीजें फिर धीरे धीरे हटने लग गई और फिर एक नई परंपरा की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। इसके अलावा एक और था, एक विधवा विभाग के ऊपर काम हुआ। विधवा विभाग के ऊपर क्या काम हुआ यहाँ पे, इसके जो विधवा विवाह थे मतलब विधवा के साथ विधवा का पुनर्विवाह रीमैरिज के साथ, मतलब कि विधवाओं को एक तरह से फिर चलो सती प्रथा तो रुक गई धीरे धीरे, लेकिन अब विधवाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, यानी विधवाओं को एक अभागा माना जाता था, उन्हें किसी अच्छे काम में किसी अच्छी जगह पर उनका चेहरा देखना यहाँ तक जो है पाप माना जाता था। तो उनके साथ जो बिहेव होता था उसके आगे अगेंस्ट अब राजा एक दूसरे हुए हैं बंगाल के ही, ईश्वरचंद विद्यासागर के ही विद्वान हुए हैं, जो काफ़ी पुस्तक चीज़ों के काफ़ी अच्छे विद्वान थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने इसका बेड़ा उठाया और ये जाकर के 1856 में फिर विधवा पुनर्विवाह कानून बना संविधान में, तत्कालीन संविधान था मतलब अंग्रेजों का, उसमें एक कानून बना कि विधवाओं के साथ पुनर्विवाह किया जाना चाहिए, उसको प्रोत्साहित किया गया। तो इस तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राममोहन राय ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। अब जब ये परिवर्तन आए, इसके अलावा और भी उदाहरण है इसमें दे रखे, तेलुगु के मद्रास प्रदेश के तेलुगु भाषी इलाकों में वीर सलिंगम पंतलु करके एक व्यक्ति हुए हैं, और उत्तरी भारत में दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती करके एक बड़े समाज सुधारक हुए हैं। आर्य समाज का गठन जिन्होंने किया है 1875 में मुंबई में, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ है इसमें एक पूरा समुलास इसके ऊपर है, और उनका ये कहना था कि विधवाओं को भी पुनर्विवाह करने की पूरी अनुमति दी जानी चाहिए। बहुत जोर शोर से समर्थन किया इसका और लोगों को उत्साहित किया कि इन महिलाओं को नया जीवन दिया जाए, इन महिलाओं का सम्मान हो। इसमें जो रूढ़ियाँ थी, जो परंपराएं थी, जो निराधार बातें थी, उन्होंने वेदों के उदाहरण लेकर के इसको स्पष्ट किया कि ये चीज़ें सारी सी सारी कोई निराधार है, बकवास है, कोई इसकी सत्यता नहीं है। इसलिए उसको सत्यार्थ प्रकाश अपनी पुस्तक में उन्होंने इसको विस्तृत रूप से दिखाया लिखा है। तो दयानंद सरस्वती ने बड़ा काम किया इस क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। अब जब ये चीजें थोड़ा सा परिवर्तन हुई महिलाओं के केस में, तो अब क्या हुआ कि गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, अब धीरे धीरे जब परिवर्तन आया तो लड़कियों को स्कूल जाने के लिए भी लोग प्रोत्साहित करने लगे, लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले गए और लड़कियों को घर से बाहर निकाला गया थोड़ी थोड़ी अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में। हालांकि पहले पहले तो बड़े बड़े घरानों की लड़कियां ही पढ़ पाती थी, छोटे छोटे स्तर पर तो फिर भी नहीं था, लेकिन फिर भी महिलाओं का स्कूल जाना, घर से निकलना अब अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करने लगा था। तो इसके लिए उन्होंने फिर नए स्कूल खोले, विद्यासागर मुंबई में बहुत सारे लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और दूसरा एक राजसुंदरी देवी हुई है, राजसुंदरी देवी ने भी जो बहुत ही संघर्ष के साथ इन्होंने शिक्षा पाई थी, क्योंकि चोरी चोरी करके इन्होंने पढ़ा और फिर जा करके बड़ा मुकाम हासिल किया राजसुंदरी देवी ने। और इसके अलावा आर्य समाज द्वारा, भारत समाज द्वारा गुरुकुल खोले गए, इसके अलावा पंजाब में ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में खोले गए और आर्य समाज ने पंजाब आदि में स्कूल खोले लड़कियों के लिए। मतलब यह हुआ कि लड़कियों के लिए अब कई तरह के स्कूल और गुरुकुल खोले गए, जिनमें जाकर के लड़कियाँ आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और अपना जीवन खुद तय कर सकती थी उन्हें क्या करना है। शिक्षा से उनके ज्ञान जब हुआ तो उनको उनके ज्ञान चक्षु खुले, उनको देखा, उन्होंने दुनिया को देखा, पढ़ा दुनिया को कि दुनिया कहाँ खड़ी है और हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो इस तरह से जीवन में उनके परिवर्तन आने लगे। अब क्या हुआ, जिन महिलाओं ने पढ़ लिया, वुमन राइट्स अबाउट वुमन, अब जिन महिलाओं ने पढ़ लिया, भले वो बड़े घरों की थी, भले वो समृद्ध घरों की थी, लेकिन उन्होंने अब महिलाओं के बारे में जब लिखना शुरू किया, जब वो पढ़ लिख गई, दुनिया के बारे में जान गई बहुत कुछ, तो उन्होंने उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके अब पुस्तकें लिखना शुरू किया कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है,
और कैसा हमारे दूसरे देशों में है, जो सभ्य देश है वहां पर कैसी परंपराएं हैं। तो इस तरह से अब महिलाएं भी महिलाओं के पक्ष में आ गई और उन्होंने पुस्तकें लिखी। इसमें भोपाल की बेगम, उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला और इसकी बेगम रुकैया शेखावत हुसैन तो महिला थी जिन्होंने इस काम में शिक्षा का काम में बड़ा काम किया। और एक और महिला थी यहाँ पर पंडिता, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई एक हुई है बंगाल में, उन्होंने भी बड़ा काम किया। ताराबाई सिंधे हुई हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बड़ा काम किया है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना के नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी है ताराबाई सिंधे ने। तो इस तरह से महिलाओं ने जब लिखना शुरू किया तो महिलाओं और भी महिलाओं को प्रोत्साहन मिला, लड़कियों को प्रोत्साहन मिला, स्कूल गई और धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति सामान्य रूप में आने लग गई। स्टूडेंट्स नाउ वी आर कंटिन्यू हियर कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म मीन जाति और सामाजिक जो रिफॉर्म थे, सुधार थे, उनमें क्या क्या हुआ। तो यू नो वेरी वेल दैट अवर सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट कास्ट। तो उन कास्ट में ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव था। ब्राह्मण और क्षत्रियों को श्रेष्ठ माना जाता था और वैश्य को मिडिल का माना जाता था और शूद्रों का तो बिल्कुल कोई भी वैल्यू नहीं थी समाज में, मतलब बहुत ही उनसे घृणा करते थे लोग, बहुत ही निम्न स्तर माना जाता था। इस तरह से हमारा जो समाज था ये बिखरा हुआ था, बांटा हुआ था, कोई एक दूसरे का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं था, कोई एक दूसरे के साथ खाना खाने के लिए तैयार नहीं था, कोई एक दूसरे के साथ पानी पीने तक के लिए तैयार नहीं था। इतनी बहुत ही बुरी स्थिति थी, बहुत ही कटा बटा हुआ समाज हमारा था। तो इस पर भी अब धीरे धीरे काम होना शुरू हुआ। तो पहला डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, अब जब लोगों के अंदर शिक्षा आई, थोड़ी बहुत शिक्षा आई, पढ़ने लग गए लोग, तो अब लोगों ने इस बात पर अटैक करना शुरू कर दिया कि हम में फिर भेदभाव क्यों है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमें शिक्षा भी मिल रही है, अब हमारे साथ भेदभाव क्यों। तो इस विषय में राजा राम मोहन राय ने ही बंगाल में एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। यानी उन्होंने एक प्रार्थना समाज नामक संगठन का गठन किया और उस समाज में सभी लोगों के इसलिए समानता की बात कही कि हम इसमें जातिवाद का कोई भी बात नहीं करेंगे, सभी का समान रूप से स्वागत किया जाएगा। ये राजा राम मोहन राय ने काम किया था जाति प्रथा को लेकर के। आगे एक अब क्या हुआ कि जाति प्रथा का विरोध इसलिए भी अब होने लग गया क्योंकि अब गांव के लोग शहरों के अंदर औद्योगिकरण शुरू हो गया था। धीरे धीरे गांव के लोग शहरों में आ रहे थे और शहरों में जब अलग अलग तरह के लोग आ रहे थे तो कोई जातियों का कोई ज्यादा भेदभाव नहीं रह गया था, बजाय के गाँव के क्षेत्रों में जहाँ पर लोग अस्थायी थे, पुराने थे, वहां पर बहुत ज्यादा भेदभाव। तो एक दूसरा ये भी कारण रहा कि शहरीकरण हुआ, शहरीकरण में लोग धीरे धीरे जो है जातियों को अपने आप ही भुलाने लग गए या लोगों की जातियों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि अपना रोजगार लोग करने लगे। तो इस तरह से भी जातियों का जो है कुछ अपने आप ही थोड़ा धीरे धीरे विघटन शुरू होने लग गया। अब नेक्स्ट जो बात है यहाँ पे एक है यहाँ पे गुलामगिरी, यानी गुलामगिरी की मतलब है कि गुलामगिरी मतलब एक ज्योतिराव फुले हुए हैं, उन्होंने ये एक वो विदेशी शिक्षा लिए हुए थे और नीची जाति से आते थे, मतलब कि सामान्य बहुत नीची जाति से आते थे। उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण की तो उन्होंने अध्ययन किया, ये पाश्चात्य शिक्षा ली उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के, और उन्होंने 1873 में गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी, बुक लिखी। तो इन्होंने स्पष्ट किया उसमें कि इनके विचार था कि आर्य जो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। यहाँ का अगर मूल निवासी है तो निम्न जाति का ही व्यक्ति है, आर्य बाहर से आए थे और इन्होंने यहाँ पर हमको हमारा शोषण किया, हमको मारा पीटा भगाया डराया और हमारे ही जमीन पर हमारे ही शासन बन गए। तो इन्होंने ये बात फैलाई और ये समर्थन किया कि निम्न जाति के लोग ही इसके असली मालिक हैं, इसलिए हम गुलामगिरी क्यों करें, क्यों हम इनके गुलाम हैं, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। ये कोई ऊंचे नहीं है, ये कोई समृद्ध नहीं है, ये हमारे ऊपर आए हुए लोग हैं, विदेशी लोग हैं, आत्ताई लोग हैं, ये का ज्योतिराव फुले का कहना था।
एक और चीज हुई यहाँ पर, अब हु कुड एंटर टेंपल्स, अब जब बात आई सब पढ़ लिखे गए सारे एडवांस हो गए, तो अब जब क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में जाने का पर कहीं अनुमति नहीं थी, तो इसके लिए बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर जो हुए हैं कानूनविद, उन्होंने इसके लिए बड़ा काम किया और उन्होंने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। तो कई बार उन्होंने ये आंदोलन चलाया, 1927 से 1935 के बीच में उन्होंने कई बार ये मंदिर आंदोलन चलाया। क्यों, इनका कहना था कि क्योंकि ये जो अम्बेडकर थे ये महार जाति थे, महार जाति से आते थे और महार जाति महाराष्ट्र में निम्न जाति मानी जाती थी। बड़े संघर्षों के साथ बी आर अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की, विदेशों में भी किसी की छात्रवृत्ति लेकर के इनको भेजा गया था। तो इस तरह से बी आर अम्बेडकर का जीवन बड़ा संघर्षमय जीवन था। अपने प्राइमरी शिक्षा के लिए नहीं लिखते हैं ये पिछली किताबों में कि इनको कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होती थी, इनको जो स्कूल में टेप लगी होती थी, वाटर टेप लगी होती थी, पानी की नल लगी होती थी, उसमें पानी भरने का पीने का की अनुमति नहीं थी क्योंकि ये निम्न जाति से आते थे। इतने संघर्ष के बाद उन्होंने पढ़ा और बाद में उन्होंने फिर मंदिर संघर्ष समिति जो बनाई उसके लिए उन्होंने फिर मंदिर प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए प्रवेश के लिए आंदोलन किया। इनको भी बराबर का हक है, हम जाति ऐसे अलग हैं भले, लेकिन हम में अंतर क्या है, भगवान के सामने क्या भेद है, तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। एक और आंदोलन हुआ है साउथ में ही, गैर ब्राह्मण आंदोलन एक हुआ है जो द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो हुआ है, जिनमें ब्राह्मण यानी गैर ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण नहीं थे जिनमें, तो उनमें एक नाम आता है ईवी रामास्वामी नायकर का नाम आता है। इन्होंने ये राजनीतिक भी रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस में भी काम किया है, लेकिन कांग्रेस में जब इन्होंने घटना लिखते हैं, जब कांग्रेस में इन्होंने देखा बैठक के दौरान कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र स्तर पर तो बड़ी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि जब एक बैठक में इनको खाने पीने की व्यवस्था की बात देखी उन्होंने, तो इसमें निम्न जाति के लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी और उच्च जाति के लिए अलग व्यवस्था थी। इनको बड़ा धक्का लगा, बहुत सदमा लगा इनको कि भाई यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जाति व्यवस्था है। तो उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था और स्वतंत्र रूप से फिर इस जाति प्रथा के विरोध में अपना काम किया। तो इन्होंने ये मानवता रचित भगवद गीता रामायण के कटु आलोचक थे, यानी भारतीय परंपरा के जो ग्रंथ हैं इनके इन्होंने आलोचना की, इनका विरोध किया इन्होंने, क्योंकि इसको इन ग्रंथों को इन पुस्तकों को इसी तरह से इनकी जो टीका लिखी गई थी इनको ठीक से समझ ना पाने की वजह से, इन पुस्तकों को ठीक से समझ ना पाने की वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि गीता में फिर जाति और जाति व्यवस्था की बात तो है ही नहीं गीता में, रामायण जो असली रामायण वहां पर तो कोई बात ही नहीं जाति व्यवस्था की, लेकिन बीच के काल में जब विदेशियों का आक्रमण रहा, विदेशियों का आक्रमण रहा, तो उस दौरान फिर इन चीजों में परिवर्तन आया कि जो ऐसी कम महत्व की बातें थी उनको बहुत ज्यादा प्रकाशित किया गया और जो असली बातें थी वो कहीं गौण रह गई। इसलिए इन पुस्तकों के खिलाफ भी ये आधुनिक लोग राय कि मनुस्मृति जो बड़ा जबरदस्त ग्रंथ है और हजारों साल पुराना ग्रंथ है, रामायण हजारों साल पुराना ग्रंथ है, गीता हजारों साल पुराना ग्रंथ है, जबकि दुनिया में बहुत कम लोग इस पढ़ना लिखना जानते थे, विद्या जानते थे, ज्ञान जानते थे उस दौरान की पुस्तक, फिर भी इनको भ्रमित किया गया और फिर इन्होंने इसका विरोध किया। तो खैर ये भी का दौर था जब इसका विरोध हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो व्यवस्था, ये जो चैप्टर था ये आपके पास इसलिए दिया गया कि आप अब रिफॉर्म के बारे में भी सीखें और रिफॉर्म को ये बड़ी क्लासेस में बड़े स्तर पर आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये जो वो है मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आपके बड़ी क्लास में बड़ा काम आएगा। आप के साथ साथ जब वीडियो को देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ बुक जरूर पढ़िए, बुक को जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में इतना सब चीज़ें नहीं आ पाती हैं जितना बुक में डिटेल लिखा हुआ है। हम कोशिश करते हैं आपको यहाँ पर समझाने की। इसके बाद मैं नेक्स्ट डे आपके लिए एक्सरसाइज और वर्कबुक की एक्सरसाइज भेजूंगा, तब तक आप अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।